हेलो फ्रेंड्स, योगा विद रानी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ना बैक पेन के लिए एक सिंपल वाला एक्सरसाइज करेंगे। जिनका अभी अभी कमर में दर्द शुरू हुआ है ना, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। बहुत जल्दी आपका जो पेन है वो कम होने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और जिसका ज़्यादा है वो भी एक्सरसाइज करने से भी उनका भी बैक पेन आसानी से ठीक हो जाएगा। बस आपको लेटे लेटे भी करना, चाहे आप बेड पे लेटो, चाहे आप मैट पे लेटो, चाहे हॉल पे लेटो, चाहे सोफे पे लेटो, लेटे लेटे ही ये वाला कमर दर्द के लिए एकदम सिंपल वाला एक्सरसाइज है। अब पहले एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम, कमर दर्द के लिए सबसे पहला और एकदम पावरफुल वाला अगर होगा वो है कोबरासन। आप मैट पे एकदम लेट जाना है, अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास लेना है, पे आपके पैर दोनों टो से पलटी होंगे और आपका चिन जमीन पे होगा, और सांस लेते हुए बस आपका अपर बॉडी ही ऊपर जाएगा। और आपको होल्ड करना है, फाइव फोर थ्री टू वन, और फिर धीरे 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 फिर से वापस नीचे जाना है। जब आप ये आसन करते हैं ना, तो आपके इधर कमर में प्रेशर आता है, जो आपका दर्द पेन रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सुबह उठने के बाद आप बेड पे ही इसको कर लेना। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, फाइव फोर थ्री टू वन। फिर से फाइव फोर थ्री टू वन। अगर आपके कमर में थोड़ा थोड़ा अभी दर्द होना शुरू हो गया है, तो आप अभी से एक्सरसाइज करके आपका कमर दर्द ठीक कर सकते हो। फाइव फोर थ्री टू वन। कमर दर्द सबसे ज्यादा दोस्तों आपका बैठने का गलत पोस्चर के चलते होता है। आप कभी भी बैठते हुए अगर टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, या तो ऐसे ही आप टेबल पे बैठे हो, कुछ रीडिंग कर रहे हो, तो आप हमेशा आपका जो बैक है, जो स्पाइनल है, वो एकदम स्ट्रेट रखना है। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, तो भी आप एकदम आपका जो पोस्चर है एकदम स्ट्रेट रखना है। उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके कमर पे होता है, वो भी दर्द के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आप बैठते समय हमेशा एकदम बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है, ऐसे बेंड बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो भी एकदम स्ट्रेट करके बैठे रहना है। आधा आधा कमर का दर्द आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब चलेंगे अपने दूसरे एक्सरसाइज की ओर। दूसरे एक्सरसाइज के लिए भी हम लेट जाएंगे, और लेटने के बाद अपना चिन है उसको आपके जमीन पे देंगे, और दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखे, आपके शोल्डर से एकदम स्ट्रेट ले आना है। और क्या करना है, अपने दोनों हाथ भी उठेंगे और आपका अपर बॉडी भी ऊपर आ जाएगा। जब आप अपना अपर बॉडी उठा रहे हो, अपना हेड को उठा रहे हो, तो आपका प्रेशर यहाँ कमर पे आ रहा है। जो हल्का हल्का जिसका पेन हो रहा होगा, उसका डेफिनेटली खत्म हो जाएगा।
जब आप ऊपर उठोगे तो सांस लेना है, और जब नीचे आओगे तो आपने सांस छोड़ देना है। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। आप ये एक्सरसाइज करके आसानी से और आराम से अपना बैक पेन, आपका कमर का दर्द कम कर सकते हो, और धीरे 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 कंटिन्यू रहोगे ना तो आपका कमर दर्द भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। सुबह के टाइम में जैसे उठोगे ना तो इसके आप 20 रेपिटेशन ज़रूर करना है। शाम को भी सोने से पहले, खाना खाने से पहले और सोने से पहले भी आप ये एक्सरसाइज करके आपके कमर को आराम से रिलीव कर सकते हो। अब तुरंत चलेंगे अपने तीसरे एक्सरसाइज की ओर। अपना जो तीसरा है वो भी आराम से आपको लेट मैट पे ही करना है। हम करेंगे कैट का एंड पोज। काउ और कैट का, कैट और काउ पोज करेंगे। वो ये एक्सरसाइज आपके बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। आप सुबह उठने के बाद तुरंत भी करोगे ना तो भी आपका जो कमर दर्द है उसमें आराम आपको मिल जाएगा। एकदम आसान है। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। दोनों हाथों पे अपना बैलेंस कर लेना है और कैट पोज। आराम से रिलैक्स। इससे आपका स्पाइनल में अगर कोई गर्दन का प्रॉब्लम होगा ना वो भी इससे आराम से कम हो जाएगा, और आपका बैक का भी इसमें प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। चलेंगे अपने तुरंत चौथे
एक्सरसाइज की ओर जो कमर का है, जो आप लेटे लेटे ही हम कर लेंगे। अपना अगला एक्सरसाइज भी इसी तरीके से है। दोनों पैरों पे अपना, घुटनों पे अपना बैलेंस करेंगे और आगे आके फिर पीछे हो जाके फिर आपके हिप्स के ऊपर अपने दोनों हिल के ऊपर अपना हिप्स रखेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर वापस। रिलैक्स। पांचवा और आखिरी कमर दर्द के लिए एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। क्या करेंगे, हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद अपने बस हिप्स को ऊपर उठाना है। आसान है, दोनों पैरों को आपके हिप्स के पास ले आना है, बैलेंस लेना है और आपके कमर को बस ऊपर उठा के फिर नीचे ले आना है। इससे आपका कमर दर्द ठीक होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। ये एक्सरसाइज आप बेड पे लेटे लेटे हो तो भी आप आराम से करके आपके कमर दर्द को ठीक कर सकते हो। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स। आप
आसानी से एक्सरसाइज करके आराम से, जिसको भी दर्द नहीं हो रहा है वो तो कर ही ले, लेकिन जिसको दर्द हो रहा है वो थोड़ा आराम से देख के फिर करना है, धीरे धीरे करना है, ताकि आपके दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। और आप डेली करोगे ना तो धीरे 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 डेफिनेटली आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना और अपना कमर दर्द को पूरा ख़त्म कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।